देश में वन संरक्षण एवं वन जीवों के विकास हेतु आगामी वर्ष ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत वृक्षारोपण, ओरन विकास, पौध वितरण एवं आजीविका संवर्धन गतिविधियों आदि के लिए 300 करोड़ रुपए के कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए इसके आसपास के 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। गोडावन संरक्षण हेतु टनल निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। ब्लैक बॉक्स हेतु जसवंतगढ़ नागौर में हैबिटेट डेवलपमेंट के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। माननीय सदस्यों को विदित है कि प्रदेश की जीएसडीपी में लगभग 30% हिस्सा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का है। वर्तमान में कृषि व पशुपालन के राज्य में 85 लाख परिवारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। किसानों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता इस बात से भी प्रकट होती है कि 30 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये वार्षिक करने की घोषणा की है, जिसके लिए 1,400 करोड़ रुपए वार्षिक का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही प्रथम चरण के रूप में रबी 2023-24 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अतिरिक्त 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है। इस पर 250 करोड़ रुपए व्यय होंगे। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जाते हुए हम अपने किसान साथियों को भी अत्यधिक संबल देने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन को शुरू कर प्रारंभ में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत 20,000 फार्म पॉन्ड्स, 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन, 50,000 किसानों के लिए तारबंदी, 5,000 कृषकों हेतु वर्मी कंपोस्ट इकाइयों एवं नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, फूड पार्क्स तथा हॉर्टिकल्चर हब स्थापित करने के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। साथ ही 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स स्थापित किए जाकर ड्रोन जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।